पंजाब के निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासर से मिलने UR1 में उनकी सरकारी रिहायश का पहुंचे, खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। पिंडीवाल हैं, भाबड़ा बाजार की गलियों में पले बड़े, टाट स्कूलों में तालीम हासिल की, MBBS किया, पैथोलॉजी के स्पेशलिस्ट हो गए। ये बताएं कि निगरान वजीर कैसे बने, किस किस सिफारिश करवाई? देखें, कुछ चीज़ें जो है ना वो खुदा ताला खुद करा रहा होता है। जब तक मैं दुनियावी और सियासी बुतों के पीछे भागता रहा तो सच्ची बात है कि कुछ नहीं था। और फिर बैठ गया, फिर मैंने कहा जो मैं कर सकता हूँ अल्लाह के बंदों की खिदमत अपनी कैपेसिटी में करूँ। और सिर्फ यकीन कीजिए कि मुझे ये वजारत बग़ैर किसी सिफारिश के, सिर्फ जो अल्लाह के बंदों की खिदमत करता हूँ ना मैं, ये उनकी दुआओं से मिली है। नहीं, कहीं से फौज से किसी सियासतदान से सिफारिश तो कराई हो? नहीं, चाहने वाले तो हर जगह बैठे होते हैं। देखें, जब आप बंदों की खिदमत करते हैं ना तो कहीं ना कहीं मिल जाता है कनेक्शन, तो चाहने वाले बैठे होते हैं, वो सिफारिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो बस एक अचानक फ़ोन आता है कि जनाब आपने लाहौर पहुँचना है, यकीन कीजिए आप, और 6:30 आता है और 9:30 जो है वो थोड़ी होती है, बस अल्लाह ताला कुछ रास्ते बना देते हैं। आपका ख़ानदान तो सियासत में बहुत सरगर्म रहा, आपके वालिद निसार अहमद निसार तो फातिमा जनाह साहबा के तजवीज़ कुनिंदा थे, आपने सियासत में कदम नहीं रखा, आप डॉक्टरी करते रहे? आपको बल्कि बताऊं, मेरे जो दादा थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर के साथ तहरीक खिलाफत में उनके दोस्तों में से थे और बड़ा काम किया था। मेरे एक ताया इंडिया में रह गए थे, वो वहाँ उनको फ्रीडम फाइटर का भी खिताब मिला। और मेरी वालदा पहली लेडी कौंसलर थी 66 में पिंडी से, कौंसल मुस्लिम लीग फातिमा जिना की तरफ से। बड़ी अताब भी काटा मुस्लिम लीग, आप सही फरमा रहे हैं, सियासत में मैंने बताया ना आपको कि मैं शामिल हुआ, मेरी चौधरी निसार साहब ने ज़ाती तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब को आज तक नहीं हो सका वाकया ये वाला। लेकिन जब मैं गया 2012 में तो एहसास हुआ कि वो शख्स जो दिन को दिन कहे और रात को रात कहे उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैं को 5-6 साल सियासत करने के बाद वापस अपने सोशल वर्क की तरफ आ गया, जो मेरा बुनियादी काम था।